रास्ते ना अब जा रहे हैं हम लोग रिक्शा लेने। ये क्या 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 सब लिए, ये देखिए मेरे हाथ में इतना भारी भारी 3-4 बैग है। चलो गत बनो ले बड़ू। हाँ बड़ा पाव नहीं, कुछ नहीं खाते हैं, कह रही घर पे खाना बनाने की शक्ति नहीं है, अभी और सामान लेना है। पहले वीडियो हम शुरू करेंगे आज खाना बनाने से। ये देख लीजिए हम की सब्जी रोटी, हम रोटी शाम के लिए भी बना लिए हैं, एक दो रोटी बची जाती है तो शाम को खा लेते हैं। हमें इसे धोती बोलते हैं। फोन चार्ज नहीं हो, चार्ज ही नहीं है रिचार्ज। चलो मिलते हैं एक सेकंड बाद। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार धांसू वीडियो में। आप लोग अपने लोग को देख रहे होंगे कि हम लोग तैयार हो चुके हैं, चश्मा उसमें लगा के एकदम घड़ी उड़ी पहन के। और आप लोग की देखिए वॉइस प्रॉब्लम थी तो हमने माइक ले लिया, अगर इससे भी प्रॉब्लम होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, तो सिर्फ अपना दीवार सर में मार सकते हैं। अरे सर दीवार में मार सकते हैं। और हाँ आप सभी को हम बता दें कि हमारे घर में होने वाला है भोज, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए हम दोनों को तैयारी करनी पड़ेगी। हम दोनों को छोड़ दिया गया है कि अभी तुम जाओ कुछ संभालो। तो हम लोग फाइनली हम दोनों तैयार होके अब जा रहे हैं मस्त घूमने मार्केट में। वहां से हम चीजें खरीदने वाले हैं, ढेर सारी चीजें। और चीजें क्या होंगी ये तो हम वहां जाके बताएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सडल नहीं, कौन सा ऐसा मतलब परोज, ऐसा कौन सा मतलब भोजन, मतलब भोजन नहीं कुछ बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे लिए। साल भर में एक ही फंक्शन आता है जिसे हम गाँव पे मनाते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है और बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग, इतने लोग जो आपने सोचा भी नहीं होगा लाइफ में। मतलब हमने पहली बार ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है, मतलब फर्स्ट टाइम हम ऐसा चीज करने जा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग आएंगे उनके खाने पीने रहने और उनके जाने के बाद जो रिटर्न गिफ्ट वगैरह देते हैं वो सब चीजों को चल 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 घर लेने के लिए जा रहे हैं। चलो चलो लेट हो रहे हैं, बाई बाई जाके वहाँ दिखाते हैं। हम लोग हमेशा होते रहते हैं, दिखाते हैं क्या क्या चीजें हम लोग खरीदे। वीडियो बनाया था ना कि हमारा चेहरा एकदम ग्लो ग्लो हो गया, ये देखिए पिंपल पता नहीं कैसे नजर लग जाती है। नहीं कभी भी फंक्शन बर्थडे कुछ भी आता कुछ है भी हो तो हमारा चेहरा बैंड हो जाता है। और गले में हम लोग फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मुझे इतनी शर्म आ रही है, सारे लोग देख रहे हैं हम लोग को। अरे प्रो ब्लॉगर, प्रो ब्लॉगर व्यूज आना तो और क्या करती, अभी तो व्यूज नहीं आता तो ये हाल है। चल रख रख मत कर साइड हो जा, लगेगा चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, बनारस में एक भी दिन आपको बिना ट्रैफिक का नहीं रह सकते हो। बाप रे लग रहा टक्कर मार देंगे लोग, इतना भीड़ है। पतली सी गली है ना, पतली गली हो चाहे चौड़ी गली हो भाई साहब, भीड़ तो जब से मोदी जी वाला प्रचार हुआ है ना, भर भर के लाखों करोड़ों लोग बनारस में रोज। हाँ छुपा दो ना, कुंडली भाग जाएगा। तो हम आ चुके हैं सिटी कार्ड मॉल, अब जा रहे हैं यहाँ से, देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती है। आ जा प्रियंका, समझ में नहीं आता है तो हमारे पसंद की चीजें यही मिलती है तो यहीं पर। यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये देखिए लेना नहीं है ये सब चीजें, बस हम देख रहे हैं, लेना है वो तो हम अभी लेने जा रहे हैं और बहुत ही वो जरूरी चीज है। कहा ये बहुत सस्ता मॉल है, मतलब इसमें पूरा मॉल है यहाँ पे, वो लग चुका है, ऑफर भी चल रहा है, 70% ऑफ है। ये कुछ नहीं खेला अंकल जी, अच्छा हमने कुल समझो खेला। चल 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 चल, जो कपड़ा पहन के आई हूँ ना वो एकदम क्या बोलते हैं गंदा कपड़ा है, पता नहीं क्यों मैं जगह ही जगह कुछ ना कुछ इस पे लगा ही है, इतना शर्म आ रहा है मुझे ना। बाद में दीदी बताएगी कपड़ा गंदा पहन कर आई हो, और देखिए वो लगी है फालतू के सामान में, टाइम नहीं है हमारे पास। हमें अभी लेना है पर्दा और विंडोज के लिए लेना है और दरवाजे के लिए भी लेना है, तो देख रहे हैं कौन सा पसंद आ रहा है। लग रहा है जलान जाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा है दीदी, बड़ा नहीं खिड़की, खिड़की के लिए सही है। तो आ चुके हम, दो तीन साड़ी अच्छी भी लगी पर बाकी और भी लेना है, वो सब समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कौन सा टेस्ट अच्छा लगेगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे अपना टाइम हमने बर्बाद कर लिया, हमें कुछ समझ भी नहीं आया कौन सी साड़ी दे कौन सी नहीं दे। तो अब हम लोग आए हैं सूट खरीदने के लिए, वही जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उनके लिए हम अभी सूट का फैब्रिक लेके जाएंगे ताकि वो अपने अपने मन पसंद अपने डिजाइन के हिसाब से बनवा लेंगे वो कपड़े। साड़ी तो नहीं समझ में आया, चलो आप प्रियंका देखते हैं। हम 5 साड़ी ले चुके हैं और लेके जा रहे हैं बिलिंग कराने। चलो चलो बिलिंग कराने यहाँ से कुछ सामान हम लोग ले चुके हैं, अभी कुछ सामान बाकी है।
आज तो शाम को दौड़ ही रहे हैं दीदी, परेशान है। तो पापा खाने के बाद अब खा रहे हैं चाट, और एक ही चाट तीखा लग गया बहुत तेज, जाए कोल्ड ड्रिंक पियेंगे इसके बाद। इतनी मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा खाना पीना तो बनता है, सामान धोना है तो भाई पेट में एनर्जी तो रहनी चाहिए। तो चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी के फिर उसके बाद मिलते हैं। हाँ भाई दीदी ले रही है कोल्ड ड्रिंक। अरे इधर क्यों दिख रहा है, वाह 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 वाह। ऑटो में बैठ चुके हैं और देखिए बनारस की हर एक इतना ट्रैफिक नहीं खाली है। जा रहे हैं लंका, लंका पे कुछ गिफ्ट लेना है, गिफ्ट और सामान ही लेना है और कुछ तो नहीं लेना है। और परोश के लिए भी चीजें मतलब फंक्शन के लिए है, वो तो गांव पे होगा। ऑटो में से नहीं, आवाज बहुत अजीब सी आ रही होगी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी लंका आ चुके हैं और यहाँ पे अरम्या के लिए उसका बर्थडे आने वाला है, तो हम उसके लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीदने वाले हैं और मेहमानों के लिए भी गिफ्ट लेना है। तो भयंकर शॉपिंग के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, आइए चलो चल के लेते हैं, सारी शॉपिंग करते हैं, फिर 10 मिनट में सारा खत्म करके घर भी जाना है। चलो अपना लंका स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ही फेमस है क्योंकि हमारे तो स्टूडेंट ही मोस्टली होते हैं यहाँ पे। अगर आप कमेंट्स करेंगे ना तो हम बताएंगे कि लंका पे कैसा बहुत फेमस है। और आज इतनी भयंकर भीड़ है, शायद छुट्टी है ना तो सारे लोग आज घूम रहे निकल निकल के बाहर, ऐसे रोड क्रॉस करूँगा। बाप रे इतनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग अरम्या के लिए कुछ चीजें ले रहे हैं, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लिए जा रहे हैं। अपनी औकात से अब मैं हट रही हूँ। ये वाला सस्ता पड़ेगा लेने में, ले लूँ 100 दे देते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग रिक्शा लेने। ये क्या 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 सब लिए हैं ये देखिए मेरे हाथ में, इतना भारी भारी 3-4 बैग है। चलो गत बनो ले बड़ू। हाँ बड़ा पाव नहीं, कुछ नहीं खाते हैं, कह रहे घर पे खाना बनाने की शक्ति नहीं है, अभी और सामान लेना है। चलो अरे यार जहाँ दीदी खाई। हाँ मेरी दीदी देखिए का बच्ची का कलू है, हम 3 का हमको सुनाई दे सर, कहीं गलत से 3 घुसने नहीं दिल सर, 3-4 लेकिन मैं बस बेकार चीज़ है, मेरी बहन को खाना है। ऐसे में बता दूँ गोविंद जी का फेवरेट बड़ा पाव है सबसे ज़्यादा। पहले ना दीदी इसको घासू बोलती थी, बचपन की बात बता रही हूँ कि जब इसको एकदम शुरू से पहली बार देखी थी इसको घासू बोलती थी। देख लीजिए इसको अभी पैक भी करवाई है, यहाँ पे लिया जा रहा है गिफ्ट। सारे गिफ्ट हमारे हो गए, उधर और भी गिफ्ट्स हैं और वो सब भी। ये टोटल हमने 15 लोगों के लिए पैक करा लिया है, नहीं 17 लोग, 17। हाँ चलो ठीक है, और भी चीज़ें भी लेनी है। दीदी तो समझ ही नहीं आता हमेशा, वो अलग ही उड़ रही होती है, उसका दिमाग कुछ काम ही नहीं करता है, बोलते एक बोलेगी आधा, समझ में नहीं आता है। तो अपने हिसाब से जितनी हमको समझ में हम लेके जा रहे हैं, बाकी कम उम पड़ेगा जो भी होगा तो वहाँ से खरीद के दे देंगे। अभी आइडिया नहीं कितने और कितने लोगों को बुलाई है वो। तो हम आ गए हैं घर पे और हमने बहुत सारा गिफ्ट इकट्ठा कर रखा है और बहुत सारी चीज़ें। हाँ तो वो दिखाएंगे नहीं आपको, बस आप लोग समझ जाइए अरम्या को बहुत अच्छा लगेगा, मतलब सारी उसकी यूज की चीज़ें हैं और हम हमेशा उसको बर्थडे पर कोशिश करते वही चीज़ें दें जो उसके काम आए। तो बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट हमने पैक कर लिए हैं और जब से हम YouTube पे आए हैं ना तब से ये हम लोग का पहला फंक्शन है, मतलब घर का एक बड़ा सा। और आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो पर ढेर सारा प्यार दीजिए, खूब सारा शेयर करिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए बना के लेके आए। और कल हम बताएंगे कि कौन कौन से लोग आने वाले, मतलब बहुत ही आप लोग आने वाले हैं कुछ। तो रिटर्न गिफ्ट का भैया पिटारा, 2 बड़े बड़े कार्टून भर भर के लाके मैं दिखा देती हूँ और उसके बाद हम लोग गाय बोलते हैं। देख लीजिए वहाँ पे इतना सारा गिफ्ट रखा गया है, सारे रिटर्न गिफ्ट्स हैं जो हमारे मेहमान आने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी से कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।